टेक्नोलॉजी ग्रीन जॉब्स पे बात करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है विज्ञान प्रौद्योगिकी का। तो पर्यावरण हरित नौकरियां क्या है ये? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये बजट 2022 में अधिक बुनियादी ढांचे और अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की गई संभावनाओं से भरा है। हरित रोजगार के को भी खोलेगा और ये हरित रोजगार को भी ग्रीन जो 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 इम्प्लॉयमेंट है उसको भी खोलेगा। तो ये हमारे प्राकृतिक एवं कार्य आंतरिक के रूप से जुड़ा है। हमारा जीवन प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। हमारी नौकरियां और व्यवसाय स्वास्थ्य ग्रह पर निर्भर करता है। हमारा कार्बन जो भविष्य कार्बन नकारात्मक और जो संसाधन कुशल व्यवस्थापक के लिए एक जो उचित संक्रमण पर निर्भर करता है। जलवायु परिवर्तन और जो परिवर्तन गिरावट पहले ही लाखों नौकरियां और जो आवश्यकता को बाधित कर रही है, देख सकते हैं भाई, देख सकते हैं इसमें। तो ILO के अध्ययन के लिए ग्रीन जॉब्स मिलता वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल आउटलुक 2018 की रिपोर्ट यह कहती है 18 मिलियन पेरिस समझौता 2 डिग्री सेंटीग्रेड को प्राप्त करने से अधिक रोजगार प्राप्त होंगे, 24 मिलियन नौकरियां सर्जित होंगी, 6 मिलियन जो खत्म हो जाएंगी, जो श्रमिकों के लिए जो सुरक्षा के लिए पूर्ण नीतियों को योग्य है और निश्चित करता है कि संक्रमण जो है वो न्यायसंगत है, सर्कुलर इकोनॉमी को अपने अधिक नौकरियां मिलेगी और ये माल जो माल को पूर्ण नियोजीकरण और पुनः निर्माण और मरम्मत को प्रोत्साहन करता है, जो निस्तारण और उत्पादन उपयोग त्याग और अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट और द प्रोडक्ट यूज ऑफ द डिस्कार्ड इकोनॉमी को दूर ले जाता है। मिलियन नौकरियां स्थिर और स्थान वातावरण पर निर्भर करता है, न केवल कृषि मत्स्य पालन वानिकी रोजगार उद्योग बल्कि पर्यटन जो फार्मा लॉजिस्टिकल और अन्य जो प्राकृतिक सुविधाओं से निर्भर करता है। ग्रीन जॉब्स क्या है? ग्रीन जॉब्स जो हरित नौकरियां सभ्य नौकरियां हैं जो पर्यावरण से जो संरक्षित बहाल करने के लिए योगदान देती हैं, चाहे वे पारंपरिक क्षेत्रों में जैसे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में से या नए उभरते हुए हरित क्षेत्रों जैसे नवीकरण ऊर्जा आदि के लिए दक्षता में होते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। हमारे ग्रह पर प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव डालने वाली नौकरियों के प्रमुख रूप से अक्षय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता या प्रकृति जो संरक्षण शामिल है। लेकिन अब जैसे जैसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है उससे जो कार्य में हरित बनाने में क्षमता बनती है। महामारी के कारण जो बढ़ती हुई बेरोजगारी साथ में पर्यावरण को केंद्र में ध्यान में रखते हुए नौकरियों के परिदृश्य पुनः आकार देने का एक मौका है। उद्यम स्तर पर जो हरित नौकरियां ऐसे माल को उत्पादन करती हैं या ऐसी सेवाएं प्रदान करती हैं जो पर्यावरण को लाभ पहुंचाती है, उदाहरण के लिए हरित भवन और स्वच्छ पर्यावरण। हालांकि यह हरित आउटपुट उत्पादन और सेवाएं हरित उत्पादन और जो प्रक्रियाओं को प्रौद्योगिकी के आधार पर नहीं होते हैं, इसलिए पर्यावरण के अनुकूल जो प्रक्रियाएं उनको योगदान को हरित नौकरियों को भी अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हरित नौकरियों को पानी को खपत करने में कम कर सकती है या फिर जो रिसाइकलिंग जो सिस्टम को सुधार कर सकती है। उत्पादन प्रक्रिया के माध्यम से परिभाषित नौकरियों के लिए जरूरी नहीं है परिवर्तनों के लिए सेवाओं के लिए उत्पादन करें। ग्रीन ग्रेट ग्रीन वॉल इनोवेटिव तो क्या है? ग्रेट ग्रीन वॉल्स उद्देश्य पेड़ों, वनस्पतियों, घास मैदानों और पौधों की 8000 जो किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी क्षेत्रों को विकसित करके जो 100 मिलियन अफ्रीकियों को जीवन को बदलना है। ग्रेट ग्रीन वॉल्स ऑफ अफ्रीकी नेतृत्व वाली जो पहल है, इसकी शुरुआत 2007 में अफ्रीकी संघ द्वारा मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से निपटने के लिए की गई थी। इस परियोजना का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन जो हेक्टेयर भूमि में हार्स को बहाल करना था। ग्रेट ग्रीन वॉल इनोवेटिव के उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य 250 मिलियन टन से कार्बन को अवशोषित करना, 10 मिलियन हरित रोजगार सृजित करना, यह अफ्रीकी समुदाय के उपज भूमि विकसित करने और नई पीढ़ी के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सहायता करेगा। यह परियोजना उस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन में समस्याओं को निदान करने में मदद करेगी जहां पर जो तापमान पृथ्वी के सभी हिस्सों को तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। सतत विकास लक्ष्य ग्रीन ग्रेट ग्रीन वॉल्स पहल का संयुक्त राज्य सतत विकास लक्ष्यों के रूप में 15 का योगदान देगी। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्र सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भूमि तटस्थ लैंड न्यूट्रलिटी तक पहुंचना है। इसका
इस प्रकार ग्रेट ग्रीन वॉल्स इससे फुली हासिल करने में मदद मिल करेगी। वर्ष 2022 में लगभग 20-10 लाख नौकरियों के अवसर हैं, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2030 तक जो हरित व्यवस्था में 24 मिलियन की नौकरियां जो बढ़ने की उम्मीद है। इन संभावनाओं के साथ जो हरित उद्योग का भी एक अच्छा विकल्प है। हरित नौकरियों के विशिष्ट जो उदाहरणों की सूची है, नवकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी और जो पर्यावरण संरक्षण इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो पुनर्चक्रण अपशिष्ट प्रबंधन रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट, जो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी और जो व्यापार एवं प्रशासन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो सर्विस में आते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाएगा सोलर एनर्जी, जियोग्राफिकल जियोफिजिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो इसमें आ जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में आ जाएगा, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल जूलॉजी जो कन्वेंशन साइंस, रिसाइकलिंग में आ जाएगा रिफ्यूजिंग जो मेटेरियल्स जो कलेक्शन है, तो रिसाइकलिंग जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोडियस जो मेट्रोलॉजिस्ट वर्क है, और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट जो इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट प्लान, ई में आ जाएगा टेक्नोलॉजी में आ जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और जो ग्रीन डाटा एनालिसिस और जो ग्रीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फोर में आ जाएगा वेब डिजाइन, जो एफ में आ जाएगा गवर्नमेंटल एंड द रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, जो एट्रीब्यूशन एंड मेडिटेशन एनर्जी ऑडिटिंग, अर्बन एंड द रीजनल प्लानिंग रेगुलेटरी ऑफ द अफेयर, बिजनेस में एंड द एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा सस्टेनेबल स्पेशलिस्ट, और जो दो आ जाएगा हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, तीन आ जाएगा पावर प्लांट एंड द ऑपरेशन, फोर्थ पे आ जाएगा कंस्ट्रक्शन जो इंस्पेक्शन। महत्व है क्या, महत्व इंपोर्टेंस क्या है, ग्रीन जॉब्स की सहायता से ऊर्जा कच्चे माल की दक्षता में सुधार करना है, ग्रीन ऊर्जा उत्सर्जन को सीमित करती है, कच्चे और प्रदूषण में कमी, कचरे को जो प्रदूषण में कमी करती है, पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा और पुनः स्थापन करती है, जलवायु परिवर्तन में प्रभाव को अनुकूल में करती है। ये पीएलएम्स का क्वेश्चन है। द ग्रेट ग्रीन वॉल इनोसेटिव रोजगार सर्जित करने के लिए मदद कर सकते हैं, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। द ग्रेट वॉल संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई पहल है, इसका जो अफ्रीका में 100 मिलियन टन हेक्टेयर भूमि को बहाल करना है, यह खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए समुदायों के लिए जो हजारों नए रोजगार आय के लिए पैदा करने में सकते हैं, इसका उद्देश्य जो अफ्रीका में सतत बुनियादी को ढांचा तैयार करना है। तो हमारा ए बी क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे ए और बी, बी हमारा ए एंड डी ओनली, सी हमारा बी एंड सी ओनली, डी हमारा डी ओनली, तो देखते हैं तो इसका हमारा बी इज द करेक्ट आंसर और सी इज द करेक्ट आंसर, बी एंड सी इज द करेक्ट। तो ये व्याख्या जो ग्रेट वॉल ओनली जो अफ्रीकी संघ द्वारा शुरू की गई एक ना कि यूएनए द्वारा। तो देखो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है, यदि कुछ कहीं कमी बेसी रह गई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जो अपनी जो राय रखें और बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर दे और भाई अपनी जो आपकी मर्जी है लाइक करते हो करना है तो कर दो भाई, ठीक है ना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जब आपका मन हो, जब आपको लगे हमारे हिसाब से सुटेबल है तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।